लेकिन बाबा साहब ने एक बात आज कही थी, कहते कि विचारधारा के अंदर, विचारधारा में बाबा साहब ने कहा था ना, ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे डॉक्टर देसराज जी, वो ब्राह्मणवाद की जीत जो है उसके अंदर ही उनका वाक्य है विचारधारा का। ये व्हाट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट इट्स ए कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कल्चर एंड टू आइडियोलॉजी। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक वैदिक संस्कृति की, दूसरी श्रमण संस्कृति। दो विचारधारा और क्या बोल रहे थे, विचारधारा की तपस इतनी होती है कि सूरज की तपस कम होती है, इसलिए मुझे चिंता नहीं, मैं सर्दी है तो आप सूरज की तपस से ज्यादा गर्म रह सकते रहे हो, और मुझे आशा है कि हार्डली 15-20 मिनट में आपकी बात खत्म करूंगा। ये विषय है, एक दो बातें मेरी बहन चले गई है, थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं साथी को पता चल जाए। भारतीय समाज मान संघ ये चैरिटेबल कोई संगठन नहीं है, हमने कोई स्कूल नहीं खोलना। अगर स्कूल खोलने से प्रवर्तन होता तो बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों डॉक्टर बनाए, लाखों अंजीर बनाए, लाखों वकील बनाए, वो घर में बैठे हुए हैं। बाबा साहब किसी ने कहा था कि डॉक्टर साहब हमें स्कूल खोलने चाहिए, तो उनका एक बहुत बड़ा कमाल का वाक्य है, कहते हैं इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ओपन ए स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हमारी औकात नहीं है, वो शासक जातियां स्कूल खोल सकती हैं, कॉलेज खोल सकती हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। एक समय पे एक ही काम करना। पिछली बार कार्यक्रम हुआ पिछले महीने, दशरथ मांझी को किसी ने पूछा कि आपने 22 साल के अंदर 22 साल में 70 किलोमीटर का फासले को 15 किलोमीटर का दिया, ये पहाड़ को कैसे तोड़ा, ये आपके लिए भी है। क्या कहा उन्हें, जब मैं एक पत्थर को पकड़ता था एक को ही तोड़ता था, एक पत्थर पकड़ूंगा एक को ही तोड़ूंगा। हमने फूले अंबेडकर की विचारधारा के माध्यम से ब्राह्मणवादी विचारधारा का सत्य नाश करना है, हमें स्कूल नहीं खोलने, यही काम करना है। ये बस फोकस, कॉन्सेंट्रेट हो जो काम करना है, तो हमने फोकस किया हुआ है। लोगों को कसूर की भावना अच्छी होती है, सजेशन देते रहते हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि आपके जले हुए लोग हैं, ऐसे जान भी बैठे हुए। ये सोरा जो है ये पहले भट्ठी में जाके गया, भट्ठी की आग की तपस रहेगी, जो भट्ठी की आग की तपस रहेगा सोना वही होता है, बल जाता है। तो ये हमारे पास जो कार्यकर्ता है इसलिए स्पष्ट किया है, ये हमारा चैरिटेबल संगठन नहीं है, ये कोई इमेंसिपेटेड संगठन नहीं है, ये कोई वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, और परिवर्तन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आज का विषय रखा हुआ, ये बहुत अहम विषय है। जब मैं ये विषय हमें भी देख रहा था और सोच रहा था क्या करूं, तो मैंने पहले भी ये बात कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा, जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत कर दे, जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत कर दे वह देश महान होता है। सुन लीजिए मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं, जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत कर दे वो देश महान होता है, और जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा कर दे, समझ लेना देश गलत दिशा में जा रहा है, देश गलत दिशा में जा रहा है। ये भारत के संदर्भ में कमाल की चीज है। और जब मैं बात शुरू करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार कहा था कि कीनिया का एक काला गुलाम 1965 में कीनिया को आजाद करा था, जो मुकरा उसका एक वाक्य है, वहां से शुरू करूंगा क्योंकि ये मसला क्या है राम मंदिर का आपको से समझा है। वो कहते हैं कि अफ्रीकन कंट्री में व्हेन द क्रिश्चियन मिशनरी एंटर द अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन देशों में जब ईसाई मिशनरी आए, जब अफ्रीकन देशों में ईसाई मिशनरी आए, उनके हाथ में बाइबल थी, हमारे पास जमीन थी। काले गुलाम कहते हैं ईसाई मिशनरी हमारे सभी अफ्रीकन देशों में आए और अपने हाथ में
कहता है कि सारी मिस्त्रियों ने कहा, बाइबल उनके हाथ में थी, कहता है आंखें बंद करो। कहता है हमने आंखें बंद करके जब प्रार्थना की और आंखें बंद करने के बाद जब हमने आंखें खोली, हमारे हाथ में बाइबल थी, उनके हाथ पास जमीन थी, वो जमीन छीन के ले गए, हमारे हाथ में बाइबल दे गए। ये धार्मिक जो कहता है ये झुंझुनू है ना, धार्मिक हमारे में लॉली पॉप हाथ में पकड़ाया, ये झुंझुनू कराता कह रहा है हमारे हाथ में बाइबल का लॉली पॉप पकड़ा के सारी की सारी काले लोगों की जमीन छेके छीन के ले गए और हम गुलाम बन गए। उस व्यक्ति जो एक वक्त बोला जो लोग कनाडा ने कीनिया को अजब कराया, समझा समझा के, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये ईसाई मिशनरी घूम रहे हैं, आपने बाइबल लेके मिशन देने वाले आपको हमारी जमीन छीन ली है। ये मैं जब देख रहा था तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का जमीन के ऊपर उनका एक भाषण है 1954 को, 54 को, वो जमीन के ऊपर भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कांग्रेस सरकार को कह रहे हैं, तो मैं इसमें देख रहा था और कमाल की बात कह रहे हैं, कहते हैं कि संसद में बहस करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सवाल को थोड़ा ढंग से उठाया था। उन्होंने सितंबर 1954 को क्या कहा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट को सामने रखकर कहा, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने चर्चा की, कहते हैं कि सदन का ध्यान जमीन के किसी सवाल पर मैं आकर्षित करना चाह रहा हूं, प्रश्न सरकार द्वारा शूटों को जमीन देने का था, तो क्या कह रहे हैं अम्बेडकर ने 30 सवाल किए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में, ये बहुत अहम मुद्दा है, प्रश्न कुछ और है, ब्राह्मण मुद्दा और बनाते हैं हमारे सामने बात है, स्पष्ट किया बाबा साहब, क्या कह रहे हैं बाबा साहब, कहते हैं कि प्रश्न सरकार द्वारा अछूतों को जमीन देने का है, अम्बेडकर 30 सवाल करते हैं पार्लियामेंट में, क्या कह रहे हैं, कहते हैं क्या अछूतों के को देने के लिए सरकार के पास जमीन है, क्या अछूतों को देने के लिए सरकार के पास जमीन है, उपलब्ध है, नंबर एक। दूसरा, क्या सरकार अछूतों को जमीन देने के लिए भू स्वामियों से जमीन देने की शक्ति रखती है, जितने बड़े बड़े भू स्वामी है, जमींदार है, क्या ये भारत की सरकार, कांग्रेस सरकार की औकात है कि उनसे जमीन छीन ले, ये नंबर दो। नंबर तीन प्रश्न किया है, नंबर तीन क्या, तीसरा, यदि कोई अछूतों को जमीन बेचना चाहता है तो क्या सरकार ये जमीन खरीदने के लिए अछूतों को धन देगी, ये बड़े अहम मुद्दे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ये मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं, उन्होंने चर्चा किया हुआ है, कहते सबसे पहले जमीन का मुद्दा कबीर साहब ने उठाया जब उन्होंने कहा सवे भूमि गोपाल, उन्होंने कहा सारी भूमि खुदा की है, रब की है, ये बात कबीर साहब ने कही और बाबा साहब चिंतन कर रहे हैं कि गोपाल को कहने लगा कहीं लगता वो सारी की सारी जमीन राजाओं के पास चली गई, अगर राजा के पास जमीन गई थी तो छोटा बात नहीं थी, राजा को चाहिए था या तो अपनी स्टेट के लिए जमीन रखता या लोगों को देता, राजा ने जमीन की सारी हिस्साई दे दी इन जमींदारों को, और बाबा साहब ने इसमें भाषण देते बताया जमीन का मुद्दा आर्थिक मुद्दा नहीं है, जमीन के कारण कोई व्यक्ति अपने आप को जमींदार कहलाता है, जब जमींदार कहलाता है उसकी अगर बात हो जाती है, बाबा साहब कहता क्या हुआ कि जमीन का मुद्दा साधारण मुद्दा नहीं है, जमीन का मुद्दा ऐसा है, यही कारण है कि अछूतों को किसी कब्रिस्तान में, किसी शमशान घाट में संस्कार करने के लिए एक टुकड़ा जमीन का नहीं दे रहे, वो पागल नहीं है, वो अकल है, वो जानते हैं कि जमीन का मुद्दा क्या मुद्दा है, इसीलिए मैंने बिल्कुल कंट्री को धर दिया, आज की गली में सारी की सारी जमीन शासकों के पास है, यहां भी सारी की सारी जमीन शासकों के पास है, एससी जेड के खिलाफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पुस्तक के छोटी सी ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2006 को एससी जेड जो है एक्ट बनता है 2006 को ही
अंबानी के पास 1,00,000 एकड़ जमीन, 1,00,000 एकड़ जमीन। ये मैं चर्चा से कह रहा कर रहा हूं कि हमारा ध्यान जमीन की तरफ नहीं है, सेठिया का ध्यान जमीन की तरफ। सेठ जो एक्ट है ये कहना ही बनता है, और कहना के एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के देखा है कि जो बंजर जमीन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये इतने बदमाश है कि ये सरखेज जमीन बंजर नहीं उपजाऊ जमीन ले रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, लगता है लगाया जाए अगर इस देश का मूल निवासी बहुजन बाबा साहब ने कहा हुआ है कि आपको चाहिए था कि उन्होंने बकायदा लिखा कि आप कम से कम बंजर जमीन ही लेके दे सकते थे। कहां ना बाबा साहब आ रहे हैं, बंजर जमीन का कहें कि सरकार के पास 98 मिलियन एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, 98 मिलियन एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, पर कोई जमींदार एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं है। सरकार ऐसा कर सकती है, और कहना कांग्रेस सरकार ने जान बूझ कर नहीं किया। अगर सीलिंग किया तो जितने जमींदार थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम, जानवरों के नाम जमीन कर दिया, हमें जमीन नहीं दिया। और ये जो मुद्दा रखा हुआ है राम मंदिर का, ये बहुत आसिदा है। राम मंदिर और राम राज का मुद्दा, ये सारा खेल जो है ये 90 के नजदीक है। 90 जब LPG आता, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, 90 के तहत आप हैरान होंगे 90 तक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को ब्राह्मण दफन कर दिया था। बड़ी अहम बात है, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को 90 तक दफन कर दिया था। एक कानून में जब शताब्दी आती है, काशीराम भी संघर्ष करते बामसर के माध्यम से, बामसर के माध्यम से काशीराम जी ने संघर्ष किया, जिस वो विचारधारा को दफन करना चाहते थे उस विचारधारा को फिर जिंदा कर दिया। ऐसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस विचारधारा को खड़ा किया, और जानते हैं इस विचारधारा को यूटिलाइज कैसे किया जाए, कौन सा तरीका है। और वो बनने को 6 दिसंबर दिन देखो खुला, 6 दिसंबर 1992 को वो बाबरी मस्जिद को खत्म करते हैं, उसको गिराते हैं बाबरी मस्जिद को। और याद रखो भारत में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, खास बात है ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। वो जानते हैं कि सूर्य अंबेडकर की विचारधारा तेजी से काम कर रही है, वो जानते हैं इसको कैसे खत्म किया जाए, तो एक नया संस्था जोड़ते हैं। अरे भैया अब 4.5 वर्ष से बीजेपी की हुकूमत है, 4 साल कोई राम का मुद्दा नहीं, कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं। अरे भैया अगर राम का मुद्दा धार्मिक होता तो ममता जो है वो कौन है, ब्राह्मण है। अगर धार्मिक मुद्दा होता तो क्या वो कोर्ट में जाती, वो जानती है कि राजनीति का मुद्दा है, समझ लीजिए। और बाबा साहब ने कहा जमीन के ऊपर, मुझे दुख है कि कांग्रेस सरकार को जमीन का मुद्दा बनाना चाहिए था, यही कारण है आज तक कहता है कि जमीन का सवाल भी कोई नहीं बन सका, आवास का कोई नहीं है। अरे हमारे लोग 12-12 गज के मकानों में रह रहे हैं, 25-25 गज के मकानों में, और एक बार जब नई नई सरकार बनती है नेहरू 56 में वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की उस बस्तियों में गया तो मैं देख रहा हूं वो बस्तियां तो अशोकों की, वहां सूर की तहरी सूरों के रहने लायक नहीं है, सूरों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि दुश्मन जानता है अगर मुद्दों से ध्यान हटाएंगे तो ये कोई और ही काम करेंगे। तो ये 4 साल नहीं बोले, आज ये बात कर रहे हैं, इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। और मेरी विनती है कि ध्यान रख के देखो कि खासकर पढ़े लिखे लोग जब चैरिटेबल बात करते हैं हमें पता होता है कि वो किसी संगठन में नहीं है, इसलिए वो बात करते हैं। क्योंकि अगर हमें IAS बनने के बाद, PCS बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद
सब कुछ ठीक हो जाना होता तो मैं कुछ उदाहरण दूंगा। रात को ही कांग्रेस कर रहे थे, मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूँ। ये मेरे पास मैगजीन है, डेमोक्रेटिक लाइफ मैगजीन है, इसे पूरा बताया हुआ है। मैं जो है वो ये बता रहा हूं मैं कि इसमें कहा हुआ है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखते हैं तो वो प्रियावरण में क्या कहते हैं, वो ही अपील ऑफ इंडिया क्या शुरू करते हैं, जस्टिस न्याय। और समझ लेना, कभी सीए शब्द भूलना, जस्टिस तो क्या कहा है, न्याय और कौन सा साहब समाज है, क्या बाबा साहब इकोनॉमी लिख सकते थे, वो पॉलिटिकल नहीं कर सकते थे। बाबा साहब समझते हैं कि सबसे पहले समाज के अंदर हमें नीच बनाना, वी आर द लोएस्ट, हम सबसे नीच है, ये ब्राह्मण ने बनाया। बाबा साहब संविधान लिखने में क्या कहें, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, भूल नहीं गए। व्हाट इज पॉलिटिक्स, वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज द शैडो ऑफ सोसाइटी, राजनीति समाज की परछाई है, हम समाज के काम नहीं करेंगे राजनीति करेंगे, राजनीति राज करने की नीति। ये मैं क्यों बता रहा कि समाज में अगर पढ़ने लिखने के बाद ना कुछ करते तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों कहना पड़ा, अपने पढ़े लिखे लोगों को कहते अगर तुझे राजा अपने महल में बुला ले तो कोशिश चले जाना, लेकिन अपने घर को आग लगा के नहीं जाना। अगर राजा तुझे अपने घर में महल में बुला ले तो मना नहीं करता, खुशी से चले जाना, लेकिन अपने घर को आग लगा के मत जाना। अगर कल को राजा से आपकी नहीं पटी, राजा नाराज हो गया, तुझे अपने महल से निकाल दिया, कहां जाओगे, बेशक अपने आप को बेच दो, अपने संगठन को मत बेचना। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वो कह रहे हैं, वो जानते हैं कि हमें सबसे पहले समाज पे खड़े होके लड़ाई करना है। हम समाज में रहे, वकील बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, मंत्री बने, सबसे बड़ा उदाहरण बार बार लोग दे रहे हैं, जगजीवन राम 1977 का जंग जीता वाह पाकिस्तान के साथ, क्या रक्षा मंत्री एक कमाल जाति का व्यक्ति रक्षा मंत्री बनता है, उसे संपूर्ण रंग की मूर्ति का अनावरण करने दिया जाता है, इसको रक्षा मंत्री। बनारस में मूर्ति का अनावरण किया, ब्राह्मण ने कहा ये मूर्ति भ्रष्ट हो गई, ये मूर्ति भ्रष्ट हो गई, इसको फिर प्योरीफाई किया जाए। एक रक्षा मंत्री अपनी रक्षा नहीं कर सका क्योंकि हमने कभी समाज में काम नहीं किया, जगजीवन राम ने कभी काम नहीं किया, मैं इसलिए बता रहा हूं। और कोविड केस सीरियस दिए हुए हैं, बता रहे हैं कि मदन प्रसाद माता प्रसाद आईएएस 62 के बैठा है, भारत में मुद्दों पर ध्यान दो, हमारा स्कूल पास कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना, मोदी सरकार में ओबीसी भी कोई नहीं है, शेड्यूल कास्ट भी कोई नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना, हमारे पास एक से बढ़कर एक आईएएस बड़ा अधिकारी है, बहुत हाई फाई। ये माता प्रसाद जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी माता प्रसाद आईएएस का जनरल डेफिनेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। और एक आदमी को एक्सटेंशन देना था, कहता है कि उसकी एक्सटेंशन जो है और नाम ये दूसरे भी दो ले चुका था, नाम लिखा टीला सर सुब्रमण्यम, इसकी जगह आना था, उसको नहीं आने दिया क्योंकि अशूत है, शेड्यूल कास्ट है। फिर आगे और कहते हैं और कहते हैं वन भारती प्रसाद शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज अलाहाबाद, उसका ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने पर वहां एक ही श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट जज आता है, पूरे स्टाफ को बुलाता है, कहते सारे कोर्ट में कुर्सियां उठा लो, इसकी सफाई करो, गंगा जल लाओ,
गाय का गोबर लाओ, इसकी सफाई करो, फिर जाकर बैठता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट जज, जहां फरियादी जाता है और फरियादी सूर्यदास की गिरा नहीं होता, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाते हैं। भैया जज की क्या औलाद है? उनके लिए वो जज नहीं है, उनके लिए अशूद है। मैं क्यों कह रहा हूं? बाबा साहब की जस्टिस, सोशल, सामाजिक न्याय, ये पूर्ण शब्द है। सबसे पहले हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं देंगे। हमने लेना है और आगे कोई प्रभाव आगे भी दे सकते हैं। तीसरा केस, सबसे खतरनाक बात, रामनाथ कोविंद हमारे माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपति जाते हैं मंदिर में, पुष्कर में क्या होता है? सीढ़ियों में बैठा दिया, अंदर एंटर नहीं होने दिया और कहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति की पत्नी जो है उसके घुटनों में तकलीफ थी, तो उसकी बेटी हो रही है। चाहिए तो यह था, राष्ट्रपति बनने के बाद किसी क्रिकेट टीम का प्लेयर बनना होता है? राष्ट्रपति के बाद कोई रैंक नहीं है? राष्ट्रपति नहीं बोला, उसकी बेटी बोल रही है, घुटनों में दर्द थी। आजकल आपको पता है कि मंदिरों के पास इतना ज्यादा सोना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितनी जायदाद है? 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ बस, और कुछ नहीं है। मंदिरों के पास इससे भी ज्यादा है। आजकल ऐसे फीचर लगे हुए हैं वहां, जिसे घुटनों में दर्द है, सीढ़ियों में भी वो चलती है, वो चेयर सीढ़ियों में भी चलती है। लेकिन कारण कुछ और है कि राष्ट्रपति अशूद है, उसको एंटर नहीं होने देंगे। इसलिए क्वेश्चन है, ये आंदोलन वो लिखा हुआ सामने हमारे मान सम्मान का है। कहते हैं जिनका स्वाभिमान बड़ा हुआ है, जिनका स्वाभिमान बड़ा हुआ है वो गुलाम है। दुख है कि इस देश के राष्ट्रपति का स्वाभिमान मरा हुआ है, जो बोला ही नहीं है। इसलिए बता रहे हैं मुद्दे कुछ और है। आगे देखो, जीतन राम मांझी मधुबनी में मंदिर में जाता है, मुख्यमंत्री, एक स्टेट का मुख्यमंत्री मंदिर में जाता है, मंदिर से बाहर आता है, ब्राह्मण बोलते हैं ये मंदिर खराब हो गया, भ्रष्ट हो गया, उसको पुत्र करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, लोकतंत्र है, संविधान है, आजकल जो बोले संविधान का बचाओ, गलत। संविधान का एक एक पेज वो पढ़ रहे हैं, एक एक पेज पढ़ के देखो, कहीं एक एक पेज कहां फंडामेंटल राइट है। अरे कहते हैं इस देश के मूल निवासी भाइयों, चिंता मत करो, आपके सुधार को कुछ नहीं कहने वाले, हमने टच भी नहीं करना। आईआईटी में 35% टीचर नहीं है, आईआईएम में 30% टीचर नहीं है। भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जहां से बड़े बड़े लोग टेक्नोलॉजी में आगे निकलते हैं, जबरदस्त मैनेजमेंट गुरु निकलते हैं वहां से, वहां टीचर नहीं है। वो जानते हैं संविधान को कुछ मत कहो, सब कुछ निजीकरण कर दो, मुद्दों को भड़का दो, राम नाम के गीत गाओ अच्छे, ये कायम ही पड़े आराम से। याद रखो मंदिरों का मुद्दा, 400 पहले चुप, अब इलेक्शन आया है, बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा खतरा है ओबीसी, सबसे ज्यादा सुनौल में आता है। बाबा साहब ने कहा जितने भी हमारे मुख्य हैं सारे के सारे ओबीसी हैं, याद रखना। ये हमारी जो लड़ाई है ये सारी एजुकेशन के ऊपर है। बार बार मैंने बोले थे ज्ञान, बाबा साहब क्यों कह रहे हैं, ज्ञान एक शक्ति है। और मैं जब भी जाता हूं तो लॉर्ड बायरन क्या कह रहा है, स्याही की एक बूंद, स्याही की एक बूंद सारे संसार को बदल सकती है। व्हाट इज दिस नॉलेज, ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान की शक्ति की
बार ग्लास में भर दिया है, क्या अरस्तु और सिकंदर है? हमेशा जब भी सिकंदर लड़ता था अपने गुरु को पीछे रखता था, क्या पढ़ रहा हूं नॉलेज इज पावर, इधर ध्यान दे रहा है मुद्दों पर ध्यान दे रहा है, ज्ञान एक शक्ति है, ये उनकी पूरी की पूरी सीधे चला रही है। सुकरात उसका शिष्य प्लाटो, सुकरात ने कुछ नहीं लिखा, प्लाटो ने लिखा, प्लाटो ने प्लाटो ग्रीस से मिला से सुकरात प्लाटो अरस्तु और उसका शिष्य सिकंदर जहां भी युद्ध हुआ डट के आगे, गुरुजी आप पीछे रहेंगे। एक ऐसा जगह जंग हुआ गुरुजी ने कहा सिकंदर पीछे हो जा आगे मैं जाऊंगा। कहता गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, बूढ़े हो गए हैं। वो कहता है आप अगर इस जंग में आगे जाओगे मारे जाओगे। सिकंदर उत्तर देता है कहता गुरुजी याद रखना अगर इस जंग में सिकंदर मर गया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक अरस्तु मर गया फिर कोई सिकंदर पैदा नहीं होगा, अरस्तु जिंदा रहेगा तो हजार सिकंदर पैदा हो सकते हैं। अरस्तु को जमाना हमारे समाज में थिंक टैंक नहीं है, थिंक टैंक नहीं है हमारे समाज में सोचने वाले लोग, हमें थिंक टैंक चाहिए। ब्राह्मण कौन शासक इस देश का, उसके पास थिंक टैंक है, सोचने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। बाबा साहब बार-बार जो कह रहे हैं मुझे समाज के अंदर बुद्धिजीवी लोग चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट लर्नर पीपल, आई वॉन्ट इंटेलेक्चुअल। लर्नर पीपल किसको बोलते हैं, विद्वान जो गलत को भी ठीक साफ कर सकता है। लगातार ब्राह्मणों की विद्वत्ता ने राम 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 लाखों बार बोला, अभी राम राम की हरिराम की लगातार गलत बात ठीक लग रही है कि राम ही हमारा भला करेगा। इट्स द टैक्टिक्स ऑफ लर्नर पीपल, ये विद्वानों की बात है। बाबा साहब कहते हैं हु आर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल की बात स्टेड स्टेड बुद्धिजीवी वर्ग ठीक को ठीक कहेगा गलत को गलत कहेगा। जो विद्वान पुरुष हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, वो गलत भी कर जाते हैं, इसलिए हमने इस समाज के अंदर थिंक टैंक खड़ा करने हैं। क्योंकि मैंने स्वयं उदाहरण दिया था, अरे इंग्लैंड छोटा सा देश, वीर सिंह जी हमेशा करते हैं संसार का नक्शा सामने रखते हैं, देखो इतना सा देश, इतना सा साइज की बात नहीं है, यहां की बात है। उनके दिमाग में था कि हमने पूरे संसार के शासक बनना है, बन के दिखाया है, और हमने तो जो हमारा सब कुछ छिन गया है उसको वापस लेना है। अगर उनको वापस लेना है दुश्मन क्या षड्यंत्र कर रहा है उसको समझना होगा, क्योंकि समय कम है। अथवा इस पर डेढ़ बात किया जा सकता था, ये मंदिर का मुद्दा नहीं है, याद रखो अपनी वासना कैम रखने का मुद्दा है। फूले अंबेडकर की विचारधारा को पीछे कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये उसको करने का विषय अपना सारे का सारा मसला है। ध्यान रखिए दुश्मन की हर अकेली अकेली चाल को ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत सी बातें समझ आएगी। इन्हीं बातों से एक बार फिर आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।